हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. हेलो, हाउ आर यू? एवरीवन इज़ फाइन, गुड. नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ 10+2. नॉर्मली इन दिस टॉपिक वन क्वेश्चन नॉर्मली बी सेलेक्टेड इन द फाइनल एग्जामिनेशन. सो लिसन केयरफुली अबाउट द कंसेप्ट. कंसेप्ट क्या है? देखो, पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट्स. अब क्लोज क्यों कह दिया इसको? क्लोज इसलिए कह दिया क्योंकि जिस समय हम सभी अकाउंट्स को प्रिपेयर कर चुके हैं, बैलेंस शीट वगैरह सब रेडी कर चुके हैं, अब हमें मिस्टेक का पता लगा. अब क्या किया जाए उस मिस्टेक के लिए? तो अब सारे अकाउंट्स हम चेंज करें वो तो ठीक नहीं है, है ना, और इतना पॉसिबल भी नहीं है. तो हम क्या करते हैं, एक ऐसी एंट्री बना लेंगे जैसे ही नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा उसकी फर्स्ट डेट को, चाहे वो 1 जैन से है, चाहे वो 1 अप्रैल से है, ठीक है, हम उस एंट्री को पास कर देंगे. ठीक है, तो इसके लिए हमने देखो क्या करना है, देखो ध्यान से समझें जरा बात को. समटाइम्स आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन क्लोज्ड. देखो क्लियर, उसने इस पॉइंट को यहाँ पर मेंशन कर दिया हमारे सामने. देखो कहता है क्या कि अकाउंट्स आपके क्या हो चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं फाइनेंशियल ईयर के. इट वॉज डिस्कवर्ड दैट, बाद में क्या पता चला, दैट देयर हैव बीन सम एरर्स, कि कुछ मुझसे गलतियाँ या कुछ मुझसे भूल हो गई है. यूजली फॉलोइंग टाइप्स. अब देखो एरर्स कितने टाइप के हो सकते हैं, मतलब क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं. गलती क्या हुई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करना रह गया, या ड्राइंग की एंट्री करना रह गया, प्रॉफिट एंड लॉस के प्रोपोर्शन को मैंने गलत बांट दिया. ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो था उसका इफेक्ट किसी पास डेट से डालना था, कुछ लास्ट 1, 2, 3, 4 ईयर्स से वो डालना भूल गया. ठीक है, मतलब 3-4 साल से वही सेम गलती चल रही थी, या सैलरी और कमीशन की एंट्री करना भूल गया. इस सच ए द केस इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द क्लोज अकाउंट. देखो उसने क्लियर लिखा है आपको क्या करना है, इन अकाउंट्स को अल्टर करने की अपेक्षा क्या करो, वो कहता है कि आप क्या करो, स्टार्टिंग के अंदर एक हम रेक्टिफाइंग एंट्री बना देंगे. ठीक है, अब एंट्री क्या बनी हमारे पास से, देखो उसके दो मेथड्स हैं हमारे पास. ठीक है, इन सच ए केसेस इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द क्लोज अकाउंट्स, कहता है क्लोज अकाउंट्स को छेड़खानी करने के बजाय, यानी उसको डिस्टर्ब करने के बजाय हम क्या करें, बैलेंस शीट को, ठीक है, एक रेक्टिफाइंग एडजस्टमेंट एंट्री से क्लियर कर देंगे. और कब करेंगे, देखो पॉइंट सबसे बड़ा देखो यहाँ पर ध्यान देना, देखें क्या है, बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर. ठीक है, देखो क्या है, दो तरीके हैं उसके, टू वेज हैं, बाय पासिंग ए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री. ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिंगल एंट्री पास कर दो और उसके नेट इफेक्ट को दिखा दो, या फिर सबके लिए एंट्रीज अलग अलग कर दो. कोई भी दो मेथड हमारे पास हो सकते हैं. तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एग्जांपल एक एक लेके चलते हैं. मेनली हमारे पास है, देखो इस टॉपिक के ऊपर पूरा जो पॉइंट था वो यही था, क्या कि हम कुछ एंट्रीज करना भूल गए हैं. ठीक है, एंट्रीज कैसे, कौन कौन सी भूले, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भूल गए, ठीक है, या प्रॉफिट का कुछ लास्ट ईयर का डिस्ट्रीब्यूशन भूल गए, या कोई सैलरी. अब वो कहता है कि मुझे अकाउंट्स को डिस्टर्ब नहीं करना, बल्कि नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग के अंदर जाके एक एंट्री बना देंगे. ठीक है, तो उससे क्या होगा, अगले साल का जो इफेक्ट होगा वो शुरू से क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग हम कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ लेके चलते हैं. देखें, अब आपके सामने एक एग्जाम्पल आया, ABCD इक्वल पार्टनर्स हैं सबसे पहली बात. ठीक है, ये फाइनल हो गया. देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल भी दे दी गई सबकी. ओके, आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स ऑफ 31 मार्च 2019, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट, क्या मिला, डिस्कवर्ड दैट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड 10% पर एनम पार्टनर्स कैपिटल वॉज नॉट प्रोवाइडेड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. अब क्या करा उसने कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही नहीं लगाया, तो प्रॉफिट डिस्टर्ब हो गए हमारे. तो यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाएंगे तो सीधी सी बात है कि हमारे प्रॉफिट बढ़ जाएंगे. तो कहते इट वॉज एग्रीड. अब देखो हुआ क्या, अब एग्री क्या हुआ, देखो इट वॉज एग्रीड, जो हमारे पास से पता लगेगा कि हाँ हम पास्ट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस को कर रहे हैं. इट वॉज एग्रीड दैट अमंग द पार्टनर्स टू मेक द एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर रादर देन टू अल्टर द बैलेंस शीट. ठीक है, इससे पता लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन आ गया. ठीक है, उसके बाद पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, उसके लिए जनरल एंट्रीज भी बनानी है. और एक देखो बड़ी बात यहाँ पर क्या आ गई, कैपिटल आर नॉट फिक्स्ड, कैपिटल फिक्स नहीं है, मतलब कि हमें जो भी जनरल एंट्रीज बनानी होंगी
यदि कैपिटल फिक्स होती तो जर्नल एंट्रीज करंट अकाउंट के थ्रू बनती, यदि कैपिटल फिक्स नहीं है तो हम सिंपल कैपिटल अकाउंट के थ्रू अपनी एंट्री बना देंगे। ठीक है, तो मेन पॉइंट हमने क्या फोकस करना है कि हमें एक कैपिटल है जो तीनों की हमारे पास से चारों कैपिटल दे रखी थी, है ना, 50,000, 30,000, 25,000, 15,000, और इस पर मुझे क्या लगाना है, 10% इंटरेस्ट लगाना है। इसको मैं भूल गया था, कोई बात नहीं, इसको अपन इंटरेस्ट को रिसेट कर देते हैं। देखो अब आपके सामने देखो क्या आया, इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट हमने सबका निकाल दिया, यहाँ पर हम एक एक करके देखो चेक कर पा रहे हैं इस चीज़ को कि 50,000 का 5,000, 30,000 का 3,000, 25,000 का 25, और टोटल हो गया 12। दिस अमाउंट 12,000 ऑफ द आइटम ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द फर्म। फर्म के लिए एक्सपेंसेज है, सीधी सी बात था, मैंने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस ही डेबिट में आएगा, तो प्रॉफिट को कम करेगा, यानी एक्सपेंसेस था पर हम उसको करना भूल गए, कोई बात नहीं। अब ये जो लॉस हुआ मेरे पास है 12,000 का, उसको हमने बांटना पार्टनर्स की शेयरिंग रेशियो में। कैसी इक्वल पार्टनर्स इक्वल रेशियो कैसी थी, इक्वल थी, फोर पार्टनर्स थे तो हमने फोर से डिवाइड कर दिया, तो 3,000 का हर पार्टनर को ये लॉस बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट और जर्नल एंट्रीज की, किसको क्लियर कैसे करना है हमें। देखो सबसे बड़ी बात को देखो ध्यान देना, शॉर्टकट के रूप में भी ध्यान रखना है। देखो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनानी है, ओके हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल हमारे पास है किस नेचर का होता है, क्रेडिट नेचर का होता है। कैपिटल किस नेचर की, क्रेडिट, और ड्रॉइंग किस नेचर की, डेबिट। नहीं तो यूँ भी ध्यान रख सकते हो, सी फॉर कैपिटल और सी फॉर क्रेडिट, डी फॉर ड्रॉइंग और डी फॉर डेबिट, इससे आपकी मिस्टेक नहीं होगी थोड़ी सी। ठीक है, तो देखो कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से हमने लिया इसको, कैपिटल किस नेचर की, क्रेडिट नेचर की, तो इंटरेस्ट को हमने लगाया, सबको पार्टनर से बांट दिया, और टोटल इसका कितना आ गया, सबका टोटल लगकर ये आ गया जी मेरे सामने 12,000। ठीक है, 5 + 3 + 25 + 1। अब इसको प्रॉफिट को मुझे बांटना था, इक्वली बांट दो, तो क्या हुआ, देखो कैपिटल क्रेडिट में था तो डिफरेंस निकालने के लिए मुझे इसको अपोजिट लेके चलना पड़ेगा। ऊपर क्रेडिट है तो नीचे हमने क्या लेना है, डेबिट। ऊपर डेबिट होगा तो नीचे क्या ले लेंगे, क्रेडिट। ये अपोजिट चलेंगे, ये बात ध्यान रखनी है, तभी डिफरेंस निकल पाएगा। अब देखो हमने डिफरेंस देखा, 5 में से 3 बैलेंस आ गया जी। तो डेबिट और क्रेडिट के भी बात करते हैं, पहले आप समझ लें, 3 में से 3 0, 25 में से 3 500, और यहाँ से 15, और यहाँ से ये निल हो गया। अब देखो तुम कहोगे सर ये क्रेडिट और डेबिट नहीं समझ में आया हमारे पास से, अभी बताते हैं क्रेडिट और डेबिट कैसे हुए। देखो दोनों में से ये देखो बैलेंस किसका जाता है, सबसे पहले ये पर आते हैं, एक का क्रेडिट बैलेंस कितना है, देखो एक का क्रेडिट बैलेंस आपके सामने कितना चल रहा है, एक का क्रेडिट बैलेंस आया आपके सामने 5, डेबिट कितना है 3, दोनों में से ज़्यादा कौन सा हुआ, 5,000, है ना, 5,000 के सामने क्या है, क्रेडिट, तो बैलेंस भी कौन सा आएगा, क्रेडिट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चेक करते हैं सी पे। अब देखो सी पे क्या रहा, सी का आपके देखो आपके सामने आया हुआ है, सी का बैलेंस में, सी के बैलेंस में क्या है, 2500 आ गया। ठीक है, 2500, तो आप 2500 देखो बैलेंस किसको शो कर रहा है, क्रेडिट के बैलेंस को, और जो 3000 है यहाँ पर वो किसको शो कर रहा है, डेबिट को, तो दोनों में से देखो ज़्यादा कौन सा हुआ, 3000 के सामने क्या है, डेबिट, तो यहाँ पर जो बैलेंस आया आपके सामने वो क्या आ गया, डेबिट। सेम वे इसमें रहा, इसमें भी बैलेंस कितना आया, 15 देखो। ठीक है, अब जो डेबिट है उनका तो नाम हम कहाँ डाल देंगे, डेबिट में, क्योंकि हमने इसके बाद क्या बनानी है, जर्नल एंट्री बनानी है। ठीक है, सीज कैपिटल को डेबिट कर दिया गया, क्योंकि देखो ऊपर सी की कैपिटल का डेबिट का बैलेंस था, फिर देखो डी की कैपिटल को डेबिट किया, देखो ऊपर 1500 डेबिट का ही बैलेंस था, और एक ही जो कैपिटल का बैलेंस था वो 2000 था। और देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या आएगी, सबसे बड़ी बात ये आएगी कि दोनों का जब आप टोटल करके देखोगे तो डेबिट और क्रेडिट देखो दोनों बराबर आएंगे, मतलब हम चेक कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर कि देखो दो डेबिट एक क्रेडिट के बराबर हो गए। ठीक है, यानी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डेबिट और क्रेडिट का आपस में जो बैलेंस बराबर ना आए। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम एक एग्जांपल और लेते हैं। ये तो था देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, मैंने शॉर्टेज बताई आपको, कैपिटल से क्रेडिट ले लिया तो ड्रॉइंग से सॉरी क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट ले लिया तो इसको क्लियर करने के लिए डेबिट से। ठीक है, आप एक एग्जांपल मैं और आपके साथ लेके चलता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो हमारे पास से क्या पॉइंट आ रहा है, वो बात को आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास से क्या है कि ABC पार्टनर है फॉर्म के, ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% फॉर द 3 ईयर्स। देखो अब नई बात पर क्या डाली, 3 ईयर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए, और कैपिटल कैसी है, फिक्स, तो यहीं पर ही समझ जाना चाहिए क्या कि हमारे पास जो जर्नल एंट्री आएगी उस बैलेंस को मैं करंट अकाउंट में डालूंगा, ये बात ध्यान रहे विशेष तौर से। ठीक है, चलो अब क्या हुआ कि जो हमारे पास से क्या था, फिक्स कैपिटल जो थी वो आपके सामने आ गई,
हमने सब पर इंटरेस्ट लगा दिया, 1 लाख का 10% लगाएंगे, 10,000 पर 3 ईयर्स का है तो इसलिए 30 हो गया, 80,000 का 10% 8,000 3 के हिसाब से 24 हो गया, ऐसे 21। ठीक है, इसको हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में ले आते हैं। ठीक है जी, अब टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में देखो क्या रहा, सेम प्रोसेस जैसे आपको मैंने पहले डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया हुआ पहले मैंने आपको, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो क्रेडिट नेचर की हो गई। ठीक है, 30,000 24,000 21,75 हो गया। अब हमें क्या करना है, फिर वही प्रॉफिट बांटना पड़ेगा, ऊपर क्रेडिट था तो नीचे क्या लेके चलना पड़ेगा, डिफरेंस को ठीक करने के लिए डेबिट में लेना पड़ेगा। ठीक है, अब पार्टनर्स कैसे थे क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे ख्याल से, नहीं है तो कोई बात नहीं, इक्वल कर देते हैं। टोटल हमारे पास है, किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 75,000 को, 75,000 को मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, कितना आ गया, 25, 25, 25, सेम प्रोसेस दोनों में से। देखो अब बैलेंस किसका ज़्यादा आ रहा है, बस वही ट्रांसफर हो जाएगा, 30,000 और 25, डिफरेंस 5,000 आएगा। पर बैलेंस दोनों में से ज़्यादा कौन सा था, 30 या 25, 30,000, और 30,000 के सामने क्या है हमारे पास, 30,000 के सामने क्या है जी, क्रेडिट साइड। ठीक है, क्रेडिट का बैलेंस है इसलिए यहाँ पर भी क्या आ गया, क्रेडिट। इस तरह यहाँ पर क्या हुआ, 25,000 के सामने डेबिट था बी वाले क्वेश्चन में, पर सी में बी में क्रेडिट जो बैलेंस है वो 24 है। समझे बात को, कैसे देखो बी में भी सेम प्रोसेस शुरू हो गया। इसी तरह देखो क्या प्रोसेस रहा हमारे सामने, इसके अंदर इसके सामने प्रोसेस हमारे पास से शुरू हो गया है कितना, 24। ठीक है, अब 24 आने से ये तो 24 ये हो गया जी 25। अब क्या करें, दोनों में से अब मोर कौन सा, 25, तो 25 का बैलेंस यहाँ पर कौन सा शो कर रहा है, डेबिट, तो इसलिए हमने 1,000 को डेबिट कर दिया। इस तरह 25 सी केस के साथ भी बिल्कुल सेम ही होगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब तक हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके चल रहे थे और मैं लगातार आपको क्या शो कर रहा था, क्या बात हो रही थी हमारे आपके साथ, बात ये हो रही थी कि कैपिटल है तो क्रेडिट में ले लेंगे, डिफरेंस को डेबिट से ले लेंगे। अब इससे अपोजिट हो जाएगा, कैसे अपोजिट होगा वो चेक करते हैं। और सबसे इससे पहले एक पॉइंट हम क्या लेके चल रहे हैं, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज को ध्यान रखना। जैसे बात हुई थी हमारे पास अभी कि हमारे पास एक कैपिटल फिक्स थी, तो हमने जर्नल एंट्री को किसके थ्रू करना था, कैपिटल की जगह के थ्रू, करंट अकाउंट के थ्रू। देखो नीचे नोट में लिखा है, सिंस द कैपिटल आर फिक्स, कैपिटल फिक्स है इसलिए करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे सभी, गुड। अब देखो हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, आपको एक एग्जांपल लेकर, जो कि मैं पहले बोल चुका हूँ कि हम ड्राइंग पर लेके चल रहे हैं। एक्स वाई जेड पार्टनर है, देख पा रहे हैं हम 3:1 का रेशियो है। और अकाउंट बनाने के बाद किस बात का पता लगा, फिर वही प्रॉब्लम खड़ी हो गई हमारे सामने। क्या प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि इस पॉइंट को हमने कैसे कोट करना है। देखो, इट दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हैड नॉट बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन। अब की बार इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कोई नहीं लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारे पास से दे रखी है, कोई बात नहीं, हमने तीनों को क्या किया, टोटल किया, 5400 आ गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देखो बच्चों कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट में आने से प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, ऐड होने से मेरे क्या होंगे, प्रॉफिट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो अब देखो क्या होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करने से। ठीक है, देखो उसने क्या लिखा यहाँ पर, वो कहता है देखो 5400 आइटम ऑफ इनकम बट इट इज़ नॉट बीन रिड्यूस द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसको हमने माइनस जो उसकी साइड को हमने क्या किया, रिकॉर्ड किया नहीं, इससे साइड हमारी क्या होगी, रिड्यूस हो गई। तो अब क्या करना है हमें को, देखो इसके अंदर रेशो हमारे पास 3:1 दे रखा था टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में। देखो सोसाइटी बात को ध्यान रखना है, ड्राइंग आ गया यहाँ से, हमने डेबिट लिख दिया उसको। ठीक है, उसके बाद बैलेंस हम चेक कर पाएंगे यहाँ पर, सबके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इंटरेस्ट हमने लगा दी एक्स वाई जेड की, 5400 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देख पा रहे हैं 3:1 के अंदर, देखो ऊपर डेबिट था तो नीचे मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, क्रेडिट। प्रोसेस सेम रहेगा, जो डिफरेंस ज़्यादा आएगा, जैसे यहाँ पर एक्स का क्या डिफरेंस आया हुआ है, 2550 और क्रेडिट का 2700, ज़्यादा कौन सा हुआ, 27 क्रेडिट है, तो डिफरेंस को भी हमने कहाँ लिख दिया, क्रेडिट साइड में। समझ रहे हैं बात, तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी थी कि ड्रॉइंग है तो डेबिट बैलेंस से, उसको ठीक करने के लिए कहाँ से, क्रेडिट बैलेंस से। इसी तरह सेम इसकी जर्नल एंट्री हो जाएंगी, जर्नल एंट्री में कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं हमारे पास, इसलिए हमने क्या किया, इसको कैपिटल अकाउंट के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो जर्नल एंट्री बनानी भी हमारे लिए क्या है, इसकी ज़रूरी हो जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर अपना मूव करते हैं, उसमें देखते हैं कि नया क्या पॉइंट आ गया। देखें अब देखो बेटा क्या हुआ कि यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट बताने के पीछे मेरा लॉजिक था, वो लॉजिक क्या है कि यहाँ दोनों पॉइंट आ गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया, ड्राइंग भी आ गया। अभी मैं बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो क्या कर देना, क्रेडिट कर देना,
ड्राइंग होगा तो क्या कर देना, डेबिट कर देना, ठीक है, बस और कोई ज़्यादा बात ही नहीं है। तो उसके बाद फिर एक कैलकुलेशन वर्क आ जाएगा ऐसे छोटा सा कि ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ कि आर की जो ड्राइंग थी ना वो 10,000 पर मंथ थी, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ हम केस पढ़ चुके हैं, एस एन ड्राइंग करी जी 20,000 पर मंथ, वो कब करी, बिगनिंग ऑफ द एवरी मंथ, मतलब दोनों के केसेस को मुझे अलग अलग लेके चलना पड़ेगा, है ना। तो अब आर की ड्राइंग तो मुझे लेके चलनी है एंड से, ठीक है, आर की ड्राइंग तो कैसे लेके चलेंगे हम, एंड से लेके चलेंगे, ठीक है, आर एंड द, एस बिगनिंग द, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है, मिस्टेक ये है जी कि डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन आर ड्राइंग वाज नॉट टेकन इन टू कंसिडर, यहाँ बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं बच्चों से, वो क्या करते हैं आर और एस दोनों का फाइंड आउट कर लेते हैं मिस्टेक के लिए, और हमें करना क्या है सिर्फ यहाँ पर, मिस्टेक इसमें हुई है आर की ड्राइंग मैंने एंटर नहीं करी, तो मैं सिर्फ आर की ड्राइंग को इफेक्टेड करूँगा, उसमें एस का कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट पर उसका फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट हमारे पास से बढ़ जाएंगे। चलो जी चेक करते हैं इस पॉइंट को कैसे, देखो आपके सामने आ गया कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, देखो बेटा यहाँ पर क्या है, आर की ड्राइंग हमने कैलकुलेट कर ली क्योंकि प्रॉब्लम किसके अंदर थी, आर की ड्राइंग में ही थी यहाँ पर, ठीक है, मैंने इसके आर की ड्राइंग निकाल ली, आर की ड्राइंग पर मंथ है तो 120 हो गई, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ थी तो हम 5.5 लेके चलते हैं, आपको पता है अच्छी तरह इस बात का, ठीक है, हम कैलकुलेट कर लेंगे उस चीज़ को, 66 आ गई, ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो डेबिट नेचर में डाल दिया हमने यहाँ पर, ठीक है, एस के देखो कॉलम को हम देख पा रहे हैं निल है, कुछ भी नहीं करना हमने, तो 6600 हो गया। उसके बाद डिवीज़न हमने 3:2 के रेशियो में डाल दिया, वो क्रेडिट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आप इसको 3:2 के रेशियो में 6600 को, क्योंकि दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब बैलेंस फिर वही चेक करना है कि ज़्यादा कौन सा है, डेबिट या क्रेडिट, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, डेबिट का बैलेंस या क्रेडिट का बैलेंस, जैसे ऊपर कुछ भी नहीं है दैट मीन्स क्रेडिट ही ज़्यादा हुआ तो इसको हम क्रेडिट में डाल देंगे, ठीक है, और इसी से कनेक्टेड हम अपनी एंट्रीज को यहाँ पर बना देंगे, ठीक है। और एक पॉइंट हमारे पास है, देखो करंट अकाउंट उसने कहा, दैट मीन्स हमारी कैपिटल कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या बताई गई होगी, फिक्स बताई गई होगी, हमने शायद ध्यान नहीं दिया इस चीज़ का। यस देखो कैपिटल हमारे पास क्या आई थी, फिक्स, इसलिए जो एंट्रीज जनरल बनी है वो किसके थ्रू बनी है, आपकी करंट अकाउंट के थ्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में देखो क्या नई बात आ गई, कहता कि एलएमएन पार्टनर हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए, कितने सालों का भूल गए, अब ये बात करनी पड़ेगी इन लोगों से भाई आप कितने सालों का इंटरेस्ट लगाना भूल गए हो, इन्होंने कहा जी हम 3 सालों का इंटरेस्ट लगाना भूल गए हैं, 3 ईयर्स, देख पा रहे हैं हम यहाँ पर कि उनका 3 ईयर्स का यहाँ पर डिफरेंस आ गया, कोई बात नहीं, कैपिटल कैसी है, फिक्स यानी कि करंट अकाउंट पर ध्यान देना पड़ेगा, सबकी कैपिटल आ गई हमारे पास देखो अलग अलग करके 40, 25,000 और 15,000। अब नया पॉइंट क्या है, देखो बेटा इसके अंदर पॉइंट है देखो जी नया क्या, कि यहाँ पर ये बात ध्यान देनी पड़ेगी कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो हर साल अलग अलग रेशियो में है, बस बात को समझो अच्छी तरह, क्या कि जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर प्रॉब्लम है हमारे लिए, बस और कुछ नहीं है, तीनों साल अलग अलग हमें क्या लेके चलने पड़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग लेने पड़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इंटरेस्ट लेते हैं पहले, देखो 12% हमने इंटरेस्ट लगा लिया सबकी कैपिटल पर, सबकी कैपिटल का इंटरेस्ट आ गया फर्स्ट ईयर का, क्योंकि कैपिटल सेम थी तो इसलिए सबके जो इंटरेस्ट आएंगे वो देखो सबके सेम आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बस प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, प्रॉब्लम ये है जी कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन बस अलग अलग करना है, कोई बात नहीं। देखो एक पॉइंट तो पहला क्लियर हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था तो क्रेडिट नेचर का होगा, कोई बात नहीं, हो गया फाइनल। अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ने दिया था तो नेचुरल है कि लॉस होगा, पहले साल के लॉस को देखो ऊपर हमने क्वेश्चन में 18 में किस में बांटना है, 5:1 में, आप इस 9600 पहले वाले लॉस को 5:1 में बांट दो, बट क्या सेकेंड ईयर का लॉस कितना है 96 सेम, उसको भी किस उसको बांटो 3:1 में, क्योंकि 3:1 कहा गया मुझे नेक्स्ट ईयर, उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ तो 2:1:1 हो गया, उसको फिर नेक्स्ट में बांट दो, इन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब यहाँ पर क्रेडिट था तो यहाँ पर वो क्या आ गया, डेबिट आ गया। अब हम देख पा रहे हैं देखो क्या कि यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट का टोटल है ना, देखो यहाँ पे टोटल और एक ये टोटल, दोनों में से देखो ये क्रेडिट साइड को शो कर रहा है डेबिट को शो कर रहा है, दोनों में से ज़्यादा कौन सा हो गया, डेबिट साइड का, तो इसलिए जो डिफरेंस आएगा उससे हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड के अंदर शो कर देंगे, ठीक है। इसी तरह सेम 9000 और 8000 का हम चेक कर सकते हैं, अब की बार ज़्यादा कौन सा हुआ, क्रेडिट वाला ज़्यादा हो गया,
कोई बात नहीं, डिफरेंस जो 1000 आएगा उसको हम कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट साइड में दिखा देंगे, तो इससे हमारी जर्नल एंट्री प्रिपेयर हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो हमारे पास से क्या बात आ रही है। इसके अंदर पॉइंट ये है कि सिंपल इस पॉइंट को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ज़्यादा उसको हम लॉन्ग वे में नहीं लेके चलेंगे। तो जो मेन पॉइंट है यहाँ पर देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देख पा रहे हैं, क्रेडिट नेचर का, ठीक है, जो जो मतलब मिस्टेक हुई उससे, ठीक है। अब क्योंकि इसमें कंबाइंड आ गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को देखो डेबिट में शो कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट में, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी है हमारी लायबिलिटी हुई है तो भी क्रेडिट में, कमीशन देना था वो मेरी लायबिलिटी थी तो क्रेडिट साइड में, इन सब का टोटल किया, ठीक है, उसको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में से माइनस कर दिया। अब जो डिफरेंस आया, अब देखो इसमें ये चेंज हुआ क्या, अब तो देखो बेटा डिफरेंस आ गया ना आपके सामने, वो कितना आ गया, ये आ गया। इस डिफरेंस को अब हम 331 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बस और कोई भी नई बात नहीं आई इसके अंदर, ठीक है जी। वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, सैलरी फिर क्रेडिट, कमीशन फिर क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्या लेके चल रहे थे डेबिट, ओके हो गया, माइनस कर दिया, डिफरेंस आ गया। अब जो डिफरेंस आएगा ऊपर का वो क्रेडिट आएगा, क्योंकि देखो क्रेडिट का टोटल जो है ना वो इन सब में ज़्यादा आ रहा है। तो इन सब के लिए हमने क्या ध्यान रखना है कि जो डिफरेंस आएगा आपके पास ये वाला, ठीक है, वो किस नेचर का आएगा, क्रेडिट नेचर का, और ये किसका है डेबिट। डिफरेंस निकाल के हम उसकी फिर एंट्री क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन और चेंज होके आता है, एक एग्जांपल और हम लेते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर भी देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पर चेंज होने के लिए क्या थी, देखो ध्यान देना पड़ेगा बेटा यहाँ पर आपको बात को पूरा, क्या देखो नया पॉइंट है इसके अंदर, देखो पॉइंट नया ये आ गया कि लास्ट लाइन के अंदर उसने क्वेश्चन को आके डिस्टर्ब कर दिया थोड़ा सा मेरा, क्या एक्स वाई जेड पार्टनर से ठीक है, कैपिटल हमारे पास से हो गई ओके है, वाई को जो है ना कमीशन देना था, हमने कहा ठीक है नहीं दिया भूल गए कोई बात नहीं, तो सबसे पहले मैंने वाई को कमीशन दे दिया, ओके हो गया, लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में आ जाएगी। फिर एक्स की सैलरी जो थी 1200 पर मंथ थी, कोई बात नहीं, वो हमने सैलरी भी दे दी, वो भी लाइबिलिटी थी मेरे लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लगाना भूल गया, कोई बात नहीं, हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी दे देते हैं, चलो जी ओके हो गया। अब उसका प्रॉफिट बचेगा, प्रॉफिट कैसे बचेगा, प्रॉफिट देखो मैं नीचे दे रखा है, ये बात अब थोड़ा गौर करना पड़ेगा। यहाँ पर प्रॉफिट आया जी मेरे पास से 422,400, ठीक है कोई बात नहीं है। देखो इसको कहाँ लेके चल रहे हैं, अब इस बात पे थोड़ा सा अब आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हमारे पास से क्या आया, ये प्रॉफिट आ गया, इसमें से सभी को माइनस करवा दो, 1 2 3 माइनस कर दिया, 3 लाख आ गया। उस 3 लाख को क्या कर दो, सबमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन तीनों में, ठीक है जी। अब इसका टोटल लगा लो, क्योंकि अभी भी क्रेडिट बैलेंस ही हमारा ज़्यादा मिलेगा, टोटल लग गया। अब प्रॉब्लम क्या हुई इसके अंदर, प्रॉब्लम ये हुई कि विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली विदाउट टेकिंग द कंसिडरेशन, कहता कि इसको इक्वली बांट दिया था पर ऊपर वाली एडजस्टमेंट तो मैंने ली नहीं थी, तो इसका मतलब तो मुझे दोबारा इसको सेट करना पड़ेगा। तो देखो पहले ये कैसे बटा होगा, ध्यान देना, पहले बेटा देखो ये बटा होगा किस वे में, इसको ध्यान दो, पहले बटा होगा ये इस वे में, ये वाला वन, इसमें हमने सबको इक्वली बांट दिया होगा, मिस्टेक आने का पता लगा कि नहीं, अब इसको तो हमें 3-1 में बांटना था, इसको हमने देखो 3-1 में बांटा, किस प्रॉफिट को, 422,400, यानी ऊपर का देखो सबका टोटल आ गया, पहले इनका इन सबका टोटल ये हो गया, इन सबका टोटल ये हो गया, इन सबका टोटल ये हो गया, ठीक है। अब इसमें से हमने इसे क्या कर दिया, माइनस कर दिया डेबिट और क्रेडिट का, फिर वही मेन पॉइंट रहेगा, मतलब मेन पॉइंट क्या था, मेन पॉइंट थी ये लाइन, बस ये सारा काम करने के बाद कहता कि पहले जो मैंने बांटा था ना वो तो बांटा था इक्वली, जो कि मैंने नीचे देखो आपको शो कर दिया, और बाद में कैसे बांटा, एडजस्टमेंट करने के बाद, तो एडजस्टमेंट करने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी सब क्रेडिट नेचर के हैं, तो सीधी सी बात है कि टोटल भी किस नेचर का आएगा, क्रेडिट नेचर का ही आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास से जर्नल एंट्रीज आ जाएंगी, जो कि हमने उसको जर्नल एंट्री बना के उस पॉइंट को क्लियर कर देना है, ठीक है। तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि पॉइंट क्लियर हो चुका हमारा ये वाला, सभी एग्जांपल्स को आप ध्यान से गो थ्रू करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर जो का रिमेनिंग पार्ट है हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड वेरी केयरफुली लिसन द वीडियो, एवरी पॉइंट बी लिसन वेरी केयरफुली, ओके, हैव अ नाइस डे।